देश में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में लगाई गई है। वैसे चीन ने 1 अरब से ज्यादा डोज लगाने का दावा किया है, लेकिन चीन के दावे की वास्तविकता संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि चीन वैक्सीनेशन का कोई भी डाटा सार्वजनिक नहीं कर रहा। लेकिन भारत में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। यूरोपीय देश भारतीय वैक्सीन को स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्यों यूरोप का फैसला भारतीयों की बढ़ा रहा है मुश्किलें? देखिए ये रिपोर्ट। यूरोपीय संघ ने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट की योजना बनाई है, जिसके चलते जिन भारतीयों ने टीका लगवाया है उन्हें यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई से यूरोपीय संघ ने महामारी के दौरान यूरोपीय संघ में नागरिकों की सुरक्षित और मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए एक डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट की योजना बनाई। यूरोपीय संघ की नई वैक्सीन पासपोर्ट नीति में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन के भारत निर्मित संस्करण को मान्यता नहीं दी गई है, जबकि यूरोप में बनने वाली एस्ट्राजेनेका को मान्यता दे दी गई है। इसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि इस मुश्किल का हल जल्द ही निकाला जाएगा। पूनावाला ने लिखा, मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड का टीका लगवाया है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया है, जल्द ही नियामकों और राजनयिक स्तर पर इसे हल किया जाएगा। आपको बता दें, कोविशील्ड वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने किया है और इसे पुणे स्थित वैक्सीन विनिर्माता द्वारा भारत में बनाया जा रहा है। लाइव की रिपोर्ट।